हूं कमलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। हास्य कलाकार एहसान कुरैशी एक दिन के लिए नैनपुर जनपद पर आए, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नैनपुर पहुंचे एक दिवसीय प्रवास पर हास्य कलाकार एहसान कुरैशी अपने जन्मभूमि सिवनी से अपनी कर्मभूमि नैनपुर पहुंचे। यहां अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कवि सम्मेलन और ऑर्केस्ट्रा से की थी। नैनपुर पहुंचकर उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा किया। अपने परिवार के साथ नैनपुर में अपने पुरानी साथी हास्य कवि करीम मसूम राजा समीम खान के घर पहुंचकर बच्चों से उनकी करियर की शुरुआत की कहानी बताई। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर खबर मिलते ही नगर के लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। सेल्फी लेने के लिए लोग अपने अपने मोबाइल लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने गरीब बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए सेल्फी ली। उन्होंने उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी संख्या में लोग वहां देखने पहुंचे थे। उन्होंने 30 साल पहले कैरियर की शुरुआत नैनपुर से ही की थी। इस कामयाबी की दास्तां सुनाई। उन्होंने नगर के सभी पुराने लोगों का जिक्र किया, अपने पुरानी यादों को ताज़ा किया। एहसान कुरैशी ने अपनी आने वाली फिल्म के भी बारे में बताया। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ एहसान कुरैशी। और बाजू खड़ी हो गई ऐसा घूमना, वहां भी देखेंगे अपन दोनों। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको डुप्लीकेट भी मिले हैं। ओरिजिनल यही आगे मिले, ओरिजिनल यही मिले नैनपुर में। यस, 1 2 3। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना।